मैडम मारती हैं? हाँ कहाँ मारती हैं? कैसे मारती हैं? गिर गया पापा से, गिर गया। देखिए आप, देखिए इस बंदे ने उसको पटक दिया। फ्रेंड्स ऐसा कुछ है हमारा, हमारी गुड़िया रानी को। दोस्तों मीत सो रही है और ये रीत है, इसको मैं तैयार कर रही हूँ। 10 बजने वाले मालवीय को गए, मालवीय जो गीत जा चुके हैं जैसा आपको पता है, तो इनको तैयार कर रही हूँ मैं। अभी देखते हैं कैसे कर पाती हूँ, कोई बहुत हैवी नहीं कर रही हूँ। और देखिए मैं अंदर भी टी शर्ट पहना रही हूँ कि बच्चे को ये गड़े ना। देखो अपने शौक, अपने वो तमाशे के चक्कर में अपन पर आजकल ये सब भी ज़रूरी है। बच्चे बड़े होके कह दें कि मम्मा आपने मुझे नहीं बना, दीदी को तो मारा था, आप पापा मेरे को नहीं लेके आए थे। एक को ले जाएंगे तो दूसरा कहेगा मम्मी ये रिमी रीत को ले गए थे, मीत को नहीं ले गए थे आप। बोलोगे ना आप ऐसा? गड़े ना, गड़े का तो मैं वहीं उतार दूंगी। ये कपड़े सस्ते ही आते हैं, सस्ते कपड़ों वाले ही आते हैं और सस्ते ही आते हैं क्योंकि बच्चों के क्या ग्रोइंग बच्चे होते हैं, जल्दी हाइट वेट बढ़ जाता है। तो एक इस साल पहन लिया तो अगले साल नहीं पहन सकते। जैसे मैं कल सोच रही थी गीत को दूसरा पहना दूंगी कृष्ण जी वाला, वो मैंने देखा इस बार थोड़ा ना आएगा, वो 3 साल की थी तब पहना, तो अब 4 साल की होने वाली कैसे आएगा, इसलिए वन टाइम यूज वाले ही होते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ है हमारा, हमारी गुड़िया रानी को। आप कहेंगे राधा बनाना चाहिए था आपने, ऐसा क्यों किया? अरे तो फ्रेंड्स राधा में क्या है कि लहंगा वगैरह चुन्नी वगैरह गढ़ती ज़्यादा है और गहने वगैरह का रहता है, ये क्या टी शर्ट के ऊपर पड़ा है तो उतना नहीं गड़ेगा, इसीलिए बस इसको बिंदी लगानी है, रेड लिक्विड बिंदी। अभी अभी वक्त काफी सैड न्यूज सुनने में आ रही है। तो गीत क्या मम्मी मारी, तो ये क्या बोलती है? मारी को मस्ती बोलती है। तो अभी रचना ने इस चीज के लिए उसको डांटा होगा, है ना? मारा तो नहीं हमने कभी, डांटे होगा इस चीज के लिए कि ये नहीं यूज करे। तो अभी मैंने दे दी इसको, तो ये रचना की तरफ देखती है और बोलती है मम्मी मस्ती। तो हमने सोचा जैसे अब स्कूल से रोज आती है बोलती मस्ती, तो मैडम मस्ती, मैडम ने क्या किया, मस्ती करी। मगर आज जब बोला कि मम्मी मस्ती है तो हमको लगा मस्ती नहीं है, मरनी मारना कह रही है। होमवर्क मस्ती करा, तो होमवर्क मस्ती मतलब जैसे गीत है आप जानते हैं कि अभी मार रही थी कई दिन दो तीन दिन, जैसे एक हफ्ते अभी छुट्टी हुई, बीच बीच में हो जाती है, हम खुद नहीं भेजते, हल्की भी सर्दी लगती है तो हम नहीं भेजते, जिसकी वजह से वो वहाँ से सर्दी लेकर नहीं आया, किसी और को ना, दोनों चीज़ें तो हम नहीं भेजते हैं। तो अभी कह रही मम्मी मैडम मस्ती, मैडम मारती हैं? हाँ कहाँ मारती हैं, कैसे मारती हैं? ऐसे मारती हैं? क्यों मारती हैं, क्यों मारती हैं मैडम, क्यों मारती बताओ? होमवर्क नहीं करते तो मारती हैं क्या? हैं जैसे स्कूल अब कल के कल क्यों करती स्कूल है? हाँ फिर स्कूल क्यों जाना बेटा, वो जो ऑटो से जाना है उसको, बच्चों के साथ अच्छा लगता है, इसलिए मैडम ये ओपन नहीं हो पा रही यार, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी रचना को नहीं बता सकता मैं आपको, पर मुझे बड़ा बुरा लग रहा है यार कि हम बच्चों को इसलिए थोड़ी, हालांकि आप कहोगे कि हम खुद जब पढ़े माँ बाप पेरेंट्स को मार, मतलब पेरेंट्स खुद कहते थे कि टीचर को मारो, पर के जी फर्स्ट में थोड़ी कहते हो कि मारो, पाँचवीं छठी में अगर ये होमवर्क नहीं करे मारो, हम खुद कहेंगे मारो। मगर जिस प्रकार का आपका गीत का नेचर है उस प्रकार से तो मैं नहीं चाहूँगा कोई और मारे। अभी तो मत लगा, रात 11 बजे अगर मुझे अभी पता चल रहा है, देखो अब मैंने क्यों, देखो हमने पहले भी कई बार मैम को बोला है कि हाँ, नहीं पहले भी अपने कंप्लेन करी है तो उन्होंने बोला हमने मैडम को भगा दिया है, उन्होंने बोला हटाया, हमने एक्शन लिया था, एक मैम को मारती थी भगा दिया। तो अब ये हो सकता है होमवर्क नहीं करती होगी या जैसा मैडम कहती होगी वैसे नहीं लिखती होगी। मैं मानता हूँ कि का बनाने में उसको 10 बार बोलना पड़ता तब बनाती, मगर बना लेती है क्योंकि का खा में ही दिक्कत है उसको, इंग्लिश और हिंदी तो, इंग्लिश और मैथ तो लिख लेती है, तो वो नहीं लिखती होगी। तो जैसे हम ही इरीटेट हो जाते हैं तो ऐसा थोड़ी मार दोगे, टीचर का क्या काम होगा? जैसे हम भी इरीटेट हो जाते हैं, हम भी कई बार बोलते हैं गीत नहीं करेगी तो पिजन से कटवाएंगे, पर मैडम थोड़ी कर सकती है, मैडम का तो काम ही प्यार से। गीत मैम क्या बोलती है यार, ये सब बातें मत करो, ढंग से उससे पूछो, मैं अब भी फोन लगा। एक बार हम और क्लियर कर लेते हैं, हो सकता है गीत की तरफ से कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, अभी शांति हो सकता है गीत की तरफ से कुछ कंफ्यूजन हो रहा हूँ। मैं वो क्लियर करके मैंने कल बोला उनसे कि ये कहती है कि मैम मस्ती, तो उसे अच्छा लगता है स्कूल में, अच्छा मैम मस्ती ऐसे बोल रही थी मैडम। जी मैडम मस्ती करती है कि मारती है? मारा थोड़ी होगा तुझे यार, मारती है क्या ऐसे? मारा क्यों मारा, ऐसे थोड़ी मारता हूँ, ऐसे नहीं मारता, मम्मी ये मानते ऐसे मारा, डांटते होंगे ठीक है, डांटना तो ठीक है मगर मारना तो
बच्चे देखो जिस प्रकार का नेचर हो, मस्ती कर रहा हो, बहुत उधम कर रहा हो, शैतानी कर रहा हो, मतलब किसी की सुनी नहीं रहा हो, तो बात अलग है। तुमको ये तो नेचर ही इसका नहीं है वैसा, है ना। ये बेचारे को कहीं चिल्ला के खड़ा कर दो तो दिन भर खड़ी रहे, ना सुसु जाए ना चिच्ची जाए। गीत मैडम मस्ती करती है कैसे, ये देख लो मस्ती को ये कहती हो। हम तो रोज समझते हैं, हम पूछ रहे हैं मैम ने क्या किया, कहती मस्ती, रोज मस्ती क्यों करती हो आप, है ना। ABCD नहीं लिखते इसलिए, अनाराम लिखते हो आप। चलो दोस्तों आप कंक्लूजन करते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा मुझे तो मत लिख, अभी रात के 11 बजे ना आराम से बात करेंगे, ऐसे कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैडम है मैडम, ये नेक्स्ट टाइम हो रहा है यार, सेकंड टाइम हो रहा है। ठीक है, कहीं हो सकता है गीत के बोलने में दिक्कत आ रही हो, पर थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट अभी के लिए दे रहा हूँ। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम, मैं जब भी जानू जैसी आती है मैं घर आने भी एक ही बात पूछती हूं, मैडम मस्ती वो बंद करो, मैं आपसे बात करूँ। तो रात के बजे 1:30 बच्चे सो गए हैं, और जैसा आपको देखा आपने कि गीत के साथ क्या हुआ, ये व्लॉग हमने रोक लिया था। हालांकि ये जो वीडियो है जो आपने देखा होगा, ये जन्माष्टमी से एक दिन पहले का है, मगर हम आपको चाह रहे थे कि जिस दिन हम डॉकुल जाएँ वहाँ उनसे जो बात होती है उसके बाद हम आपको ये पूरा ब्लॉग एक साथ दिखाएं। तो ये जो ब्लॉग देख रहे होगे, ये जो भी पार्ट देखा होगा ना जहाँ पे गीत हमको सब इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो सब जन्माष्टमी से एक दिन पहले का है, मतलब कि 6 तारीख का है। अब हम कल जाएंगे, मैम और सर से मिलते हैं और उनसे क्लियर करते हैं क्या कन्फ्यूजन है, क्या गीत सही है या नहीं है, क्या कुछ मिसकम्युनिकेशन है। तो जो भी पार्ट है वो दोनों आपके सामने रखते हैं, वो पूरा ब्लॉग आप देखिएगा। गीत के स्कूल जा रहे हैं, जैसे आपको पता है कि किस वजह से जा रहे हैं, और क्लियर करके आते हैं जो भी कंफ्यूजन है, मिसकम्युनिकेशन है। तो पहले ना सुस्त, तो पहले पापा ने वीडियो बना रहे बेटा, जा थोड़ी ना, तो उसको पीछे पीछे भाग रही थी। तो ये बच्चों को हम छोड़ के जा रहे हैं आंटी के, मतलब इनके आंटी के, मामी के, क्योंकि स्कूल जाना है, रचना जाना चाह रही है, मिलना चाह रही है मैडम से, तो इसलिए हम जा रहे हैं। मम्मा भी आ गए बेटे, सब आ गए, चलो मिल के आते हैं, क्या कहते हैं। बच्चों का बड़ा टेंशन है, तो ओके तो आ गए स्कूल से, और क्या रहा हम घर चल के बताते हैं। ये क्या लेकर आया, दिखाओ पापा को, दिखाओ दिखाओ, आपका तो है, पहले दिखाओ तो सही, ये। पापा को दिखाओ, हैंड में ले लो दोस्तों। ये लेकर आए गीत, देखो वो सब इकट्ठे हो गए। गेट खोलना पड़ेगा मैडम, मैडम इधर तो देख लो, गेट खोलना पड़ेगा, तैयार होके आए हो बिना बच्चों के। मूवी चले देखना इसे जवान। फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि हमें ये लग रहा था मैम ने डांटा है क्या, हमने दो मतलब ऐसे हम वैसे पेरेंट्स भी नहीं है कि जाके चिल्लाने लगे, हमने दोनों चीज़ें बताई कि स्कूल जाने से मना भी नहीं करती है ये, या तो हो सकता है किसी एक बात पे पहले किसी को डांटा हो या किसी और बच्चे को डांटा हो तो कुछ डर सा है, तो आप एज ए टीचर आप उस चीज़ को ओवरकम करने। हाँ मैम ने बोला कि वैसे डांटना मारना तो अलाउ है ही नहीं किसी भी बच्चे को, और इतने छोटे बच्चे को कौन ही डांटेगा, बट हाँ हो सकता है कभी कोई बच्चा बहुत एनॉय कर रहा हो, किसी और को थोड़ी ऊँची आवाज़ में बोल दिया हो तो वो डर गई हो। बाकी नर्सरी वाली टीचर जो पहले इसकी टीचर थी उससे बहुत फ्रैंक थी, उन्हीं ने मतलब पूरी राइम्स वगैरह सुनाती है, मैम ने ही मुझे बताया था, तो बहुत सी बातें हुई, तो उस बातों में मैम के पास ये जो लर्निंग किट्स है हमें पता ही नहीं था, इतनी सारी उनके पास लाइब्रेरी में है जिसे ले जाया जा सकता है। जैसे कि ये मैं कखा के लिए लाई हूँ, ऐसे ब्रेन आई ब्रेन हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लेके जाऊंगी, जिससे कि बच्चा टीवी कम देखेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं घर पे बना रही थी कल, मैं दिन भर मैंने व्लॉग नहीं की, मतलब मैं दिन भर यही कर रही हूँ इतने दिन से। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और मेन प्रॉब्लम यही आ गई, स्क्रीन टाइम बच्चों का नहीं होना चाहिए। मोबाइल हम नहीं देखते, बट टीवी भी कोई कम हार्मफुल नहीं है, टीवी भी उतनी ही बड़ी कल्प्रिट है। तो देखते हैं, कोशिश करना है गीत पे, आप देख ही रहे हैं एक दो हफ्ते से मैं उसी में लगी हूँ, तो मैंने घर के काम छोड़ दिए, घर के काम वेट कर सकते हैं, बट मेरी बेटी का भविष्य मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। भागो 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 भागो, पापा जा रहे, पापा जा रहे हैं। आज गीत की तारीफ भी हुई है, और पापा हमने बुराई करी, उन्होंने तारीफ करी, क्यों गीत हम बुराई कर रहे थे एज ए पेरेंट्स, गीत वो लोग तारीफ कर रहे थे गीत की, देखो ऐसे लेके जा रही। चलो बेबी को लेके जाए अपने अपने घर। आ गए पापा, अई पापा आ गए, कहाँ गए थे पापा, कहाँ गए थे पता, कहाँ गए थे पापा। बेटा मम्मी पापा तुमको छोड़ के गए थे, हाँ दीदी के स्कूल, क्या करे तुमको ले जाएंगे वहाँ पे, घूमी घूमी करने थोड़ी गए थे। नहीं मम्मी,
मालिश? नहीं मालिश। ये क्या है? क्या है? नहीं मालिश। चलो 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 चलो। गिर गया? गिर गया पापा से? गिर गया? देखिए आप देखिए, इस बंदे ने उसको पटक दिया, गिरा दिया। पटक नहीं दिया, छूट गया हाथ से। छूटी नहीं, आपने गिराया उसको। बाप पे ऐसा नहीं कह सकते। बाप आप सॉरी सॉरी कर रहा है। रोई क्या? रोई क्या है बता? बाप से किससे कुछ है? तीनों गीत भी कितने गिर जाए। मैं रचना कहती है नहीं तुमने गिरा दिया, गीत तो कुछ होता ही नहीं है। फालतू बात मत करो, गिराया क्यों आपने? ने गिराया इसीलिए है ना बेटा, कुछ नहीं हुआ ना। बाल मत गड़ा उसको। हल्का सा रोने लगी, गिर ऐसा हुई बताऊं करके? नहीं नहीं ऐसे हो गई, ऐसे लैंड हो गई। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई उसकी, सॉफ्ट हल्की हार्ड लैंडिंग हुई थी। तो वापस निकलते हैं ऑफिस और ये ब्लॉग करते हैं यहीं खत्म। और ओवरऑल आपको बता दें कंक्लूजन क्या निकला, जो गीत करे तो आपने सुन लिया। स्कूल में हमने बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं पुराने मैडम के साथ ऐसा प्रॉब्लम थी, वो मार भी देती थी, हाथ बहुत तेज चलते थे, ये मैडम तो नहीं करती है। हो सकता है कि कभी कोई होमवर्क पूरा नहीं किया हो जिस कि सब तो छुट्टी हुई थी उसकी जब बीमार थी, या ट्विंस की वजह से हम कभी नहीं ध्यान दे पाते। मैं रचना को मना कर देता हूँ कि होमवर्क मत कर। हो सकता है मैडम कभी डांट भी होती है कि होमवर्क क्यों नहीं किया, या फिर कभी मार भी दिया। ठीक है तो हमने कोशिश की है कि उनको बोलें कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है बच्चे का, और बच्चों को ऐसे माहौल में पाले बड़े जिससे कि वो चीज़ों से नेगेटिव ना इफेक्ट हो। तो ये बता के आए कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाए उसका, उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करें गीत से, उसको नेगेटिव ना जाए बस। तुमने बोला है थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे, और ऐसा भी कुछ है तो पता लगाएंगे पूरी क्लास में। एक दिन बैठेंगे जो मैडम है प्रिंसिपल हो जो भी हेड है वहाँ के, तो ठीक रहा अच्छा रहा। हम स्कूल मत स्कूल नहीं बदलेंगे, कई बच्चे हैं कई बार होता कुछ है बताते कुछ, और हम ये नहीं कहेंगे गीत के साथ जो प्रॉब्लम हो तो है ही, ट्विंस हुए हैं तो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इट्स आर फॉल्ट। ठीक है हम माइंड नहीं रख सकते, आप सबको पता है कि हमारे फाइनेंशियल इशू है, लोन है, कार के लोन है, कुछ इन्वेस्टमेंट हैं, कुछ लोन और हो गए हमारे अभी बीत हुए थे तो पर्सनल लोन हो गए हैं तो उनको चुका रहे हैं इस समय से लोन। अभी हाउस हेल्प नहीं रख सकते घर में जो कि 10-12 हज़ार रुपये लेंगे एटलीस्ट पूरे दिन का, तो मैनेज कर रहे हैं हम, और आप लोग का साथ है इसमें तो और अच्छा लग रहा है। चलो ब्लॉग रखते हैं ख़त्म यही, और ये वीडियो डालने का पर्पस भी यही था कि आप लोग के सामने बच्चे ऐसा हो उसको प्यार से टैकल करें, है ना। गीत ने अगर बोल दिया मार रहे हैं तो वहाँ जाके गुस्सा ना करें स्कूल में, स्कूल को आपने हमने ख़रीदा नहीं है ना, प्यार से टैकल करें और जहाँ भी प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट करें। मैडम अगर स्कूल प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से बात नहीं करता, मिसबिहेव करता है और आपकी अपनी गलती नहीं मानता है तो बेशक स्कूल बदल दें, वहाँ पर लड़ने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो रखते हैं आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, उम्मीद आपको अच्छा लगा हो। ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिक था, पूरा पॉइंट बात करने की कोशिश की हमने। और बाय, जय माता दी, अपना ध्यान रखना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बहुत अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आने वाला है, जो न्यूज़ आ चुकी है मगर वो वीडियो आज में नहीं हमें डाल रहे हैं, वो कल एक नया ब्लॉग बनाएंगे उसके लिए, है ना। कुछ अच्छा हुआ इसलिए। बाय।